असला सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वी आर एन मिशन टू ट्रेन वन मिलियन सोशल एंटरप्रनोर इन पाकिस्तान सो दे टू कैन सपोर्ट सपोर्ट एंड पाकिस्तानी नेक्स्ट स्टेप है ये टॉप राइट पे जो लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी करें और अपने फ्रेंड्स को टेक्स मैसेज करें या व्हाट्सएप करें या ये फेसबुक का लिंक दिया हुआ है फेसबुक के बटन पे क्लिक करके अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करें या ये जो ई का लिंक दिया हुआ है ई पे क्लिक करके उनको ई करें जो भी करें उनको व्हाट्सएप करें टेक्स करें फेसबुक पे शेयर करें ई करें इससे ये होगा कि उनको उनसे आप वोट ले सकेंगे वोट आपको कितने चाहिए ये ऊपर नजर आ रहा है कितने वोट चाहिए कितने आपके ऑलरेडी हो गए हैं और कितने और चाहिए जब ये वोट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये वीडियो के नीचे ये ये जो लिंक दिया हुआ है ये सारा ओपन हो जाएगा आप उस क्लिक करके आप ये आपको प्रोसेस आप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है हाँ आप तो ये सोच रहे होंगे ये वोट का का एप्लीकेशन प्रोसेस क्यों रखा है इन्होंने आई एम ग्लैड यू आस क्वेश्चन ये तीन रीजन है कितनी तीन वजह है जिसकी वजह से हमने ये वोट का का एप्लीकेशन प्रोसेस रखा है ये हमने ये देखा है कि जो लोग वोट लेके प्रॉपर लेके आगे वो आते हैं एप्लीकेशन पे अब चूंकि वो अपने फ्रेंड्स को पहले तो एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या चीज तो आप उनको हमें पता चलता है इनको एक्सप्लेन करने का पता है कि नहीं पता क्योंकि जब असल काम करेंगे तो आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे होंगे आप उनको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कन्विंस कर रहे होंगे कि वो उन पे उनसे तो ये हम पहले से चेक कर रहे हैं कि इनके पास किसके पास पावर है एक्सप्लेन करने की कि नहीं और दूसरी बात ये है जो वोट लेके उसके साथ साथ वो जो जो आप जो प्रॉपर पूरे वोट ले, ले लेते हैं वो आप सोशल प्रेशर में आ जाते हैं उनके फ्रेंड्स उनसे पूछते हैं भाई वो क्या कर रहे हैं स्कॉलरशिप का क्या हो रहा है तो इसकी वजह से वो प्रोसेस को कंप्लीट करते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं वो सोशल प्रेशर में पीयर प्रेशर की वजह से ही वो सारा काम करते हैं हमें सीरियस लोग चाहिए जो वाकई ही अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वजह से और प्लस एक और मसला भी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने नेम ई फेक डालते हैं और फेक नहीं है जो फेक लोग होते हैं उनके तो फ्रेंड्स कोई नहीं होते जो असल लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स होते हैं तो ये सारा जो फेक का एलिमिनेशन भी हो जाएगी और प्लस आप सोशल प्रेशर में आप, का, आप काम भी करेंगे और ये कि आप दूसरे फ्रेंड के साथ जो अच्छी चीज है वो शेयर भी करेंगे इस जो, जो शेयरिंग का कल्चर है वो भी शुरू हो जाता है चूंकि अच्छी जो भी चीज है वो शेयर करना चाहिए शेयरिंग इज केयरिंग ये हम सारी चीजें इस प्रोसेस में बिल्ट इन है ऑलरेडी अगर आप अच्छी चीज अपने क्लोज फ्रेंड को तो शेयर नहीं करना चाहते हैं बड़े सेल्फिश हैं वो स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये हम सारे मिलके एक मिलियन बच्चों को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं हम आपसे पैसे तो मांग ही रहे तो फिर आपके इसमें क्या मसला है आप अपने फ्रेंड्स को अगर नहीं बताएंगे हम हमें आपको नहीं चाहिए ये देख मैं बड़ा साफ कह रहा हूं हमें आपकी हेल्प चाहिए आप अपने आप को हेल्प करें तो हेल्प योर सेल्फ सिर्फ इतने वोट ले लें जो ऊपर नजर आ रहा है उतने आप वोट लें ताकि सिलसिला हम आगे चला सके जब आपके वोट पूरे हो जाएंगे तो नीचे जो क्लिक लिंक है उस पर आप करेंगे तो यू कैन कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्कॉलरशिप में है क्या किस तरह की स्किल मुझे तो कुछ भी नहीं आता या मुझे कुछ थोड़ा बहुत आता है तो आपको तीन स्किल्स चाहिए कितनी तीन एक तो आपको इंग्लिश पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए बोलनी आनी जरूरी नहीं है यू नीड टू नो हाउ टू रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश यू डोंट हैव टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश दूसरी चीज आपको ये चाहिए कि आपको कोई ना कोई कंप्यूटर की स्किल्स हो जैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डेटा एंट्री कर सकते हैं इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं लोगो बनाना आता है वीडियो एडिटिंग आती है कोई एक स्किल आपको आती हो अगर आप फेसबुक पे रोज दो तीन घंटे लगाते हैं आपको कॉपी पेस्ट की स्किल्स हैं वो आप जरूर कर सकते हैं हर तरह के काम होते हैं मार्केट रिसर्च के होते हैं हम वो आपको सारे उसमें बताते हैं कि आप क्या कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं वी वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ स्किल ओनली वांट टू टू नो हाउ यूज इट मेक ऑनलाइन अर्निंग ये हम आपको सिखाएंगे तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको फिनिशर होना जरूरी है फिनिशर क्या होता है आप कह रहे हैं ये फिनिशर मैंने तो कभी सुना नहीं है मैं अभी आपको बताता हूँ जब किसी को, को काम कहें तो वो तीन टाइप के रिस्पॉन्स देता है

क्योंकि जब एप्लीकेशन शुरू करोगे हमें पहले ही पता है बड़े महीनों से चल रहे हैं हमें पता है लोग अपने आप को सारे फिनिशर कहते हैं लेकिन सौ में से एक दो लोग बड़ी मुश्किल से एप्लीकेशन को फिनिश करते हैं बाकी नाइन अपने आपको फेक फिनिशर कह के कंटिन्यू करते हैं रास्ते में छोड़ देते हैं हमें तो आपका सारा प्रोसेस पता है आप कितना टाइम ले रहे हैं क्या कर रहे हैं ये सारा कुछ करने के लिए आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद अगर आप खुद अपने आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है कोई आपके साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकता है कैसे काम कर सकता है तो आप रियली फिनिशर हैं तो आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें जल्दी से लिंक पे क्लिक करें कॉपी करें और अपने फ्रेंड्स को कॉल करें उनको बताएं कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है और आप इसके लिए प्लीज मेरे लिए वोट कर दें वो लिंक पे क्लिक करेगा अपना नेम ई डालेगा आपका वोट काउंट हो जाएगा आप इस पेज पे वापस आएंगे तो ऊपर नंबर आएगा जब आपके वोट पूरे हो जाएंगे तो आपको ई आ जाएगी कि हाँ आपके वोट पूरे हो गए हैं आप जो आगे का लोगों का इंटरव्यू किया है वो सारे सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो भी पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं इस तरह यूनिवर्सिटी में जाके किया स्टूडेंट ने बहुत इनकरेज किया स्टूडेंट बहुत सारे इनरोल हुए और उस, उसका रिजल्ट ये है जब किसी काम के लिए हम सारे इकट्ठे हो जाएं उसका रिजल्ट ये है कि बच्चे ऑलरेडी पैसे बना रहे हैं ये अच्छी बात है उसमें बहुत सारे माशा आगे बहुत निकल जाएंगे हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा अनएम्प्लॉयड ना रहे इससे क्या होगा जो अनपढ़ बच्चे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जो नहीं पढ़ाते वो आपको देख के वो कहेंगे कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है और असली बात यह है कि जब आप पैसे बना रहे होंगे आप उनकी हेल्प करेंगे हम यही हेल्प एक दूसरे की हेल्प करने का करते हैं डेवलप करना चाहते हैं आप उनकी हेल्प करेंगे उनके बच्चे स्कूल जाएंगे उनका फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं जब आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं फिर आप हम सहायक का भी ख्याल कर सकते हैं इनशाला इनशाला ये मिलकर एक ऐसा टाइम आएगा कि पाकिस्तान में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा हमें सारी सूझ बूझ होगी सब कुछ हम अच्छे काम कर सकेंगे मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो हम आपसे बिल्कुल कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम आपको 100% हंड्रेड स्कॉलरशिप के थ्रू टीच कर रहे हैं ये जो डोनर्स हैं स्पॉन्सर्स है वो पैसे देते हैं आपकी जगह पे आप पैसे नहीं देते लेकिन आपको मेहनत करनी है और पढ़ना है आप इमेजिन करें कि जब आप स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे थे वो कोई और स्कॉलरशिप दे रहा हो आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे थे और आप सारा पढ़ के उसके बाद आप आगे फ्लोरिश करें कुछ लोग ऐसे हैं शक होती है कि नहीं नहीं ये मुझे किसी चक्कर में पैसे मांग लेने ये मैं आपको अभी से बताने लगाऊँ अगर हम गलती से आपसे पैसे मांग ले तो हमें आपने नहीं देने आपको सिर्फ अपनी स्किल करके कोर्स अटेंड करके और ऑनलाइन पैसे बनाने हैं इतनी सी बात है सिंपल इसमें कोई मुश्किल नहीं है बहुत सिंपल प्रोसेस है हम आपसी जेब से एक पैसा नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें आपकी हेल्प करनी है ताकि आपके पास स्किल्स ऑलरेडी हैं उस स्किल्स को बैठे बैठे जंग लग रहा है उसको आप करें कि उसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसे बनाए बहुत सारे और लोग बना रहे हैं उसमें आप क्यों नहीं बना रहे उसकी वजह यह है कि आपको किसी ने बताया नहीं कैसे बनाते हैं आज के बाद आप ये नहीं कह सकते मुझे किसी ने बताया नहीं था असल बात यह है कि अब हम बताने के लिए आपके पास आ गए हैं टीचर भी आपके पास है जब स्टूडेंट रेडी हो तो टीचर आ जाता है टीचर आपके पास आ गए हैं अब आप इसको अप्लाई करें और जल्दी से करें ताकि आप जल्दी जल्दी स्कॉलरशिप लें और अपना काम शुरू करें सो गो है वो लिंक को कॉपी करें कॉपी पे क्लिक करें कॉपी हो जाएगा उसको अपने फ्रेंड को टैक्स करें व्हाट्सएप करें फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करके शेयर कर दें फॉरन से ई पे क्लिक करेंगे तो ई क्लिक करके शेयर कर दें आपने ईमेल भेज दें उससे सारी कॉपी पहले ऑलरेडी लिखी हुई है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है आप इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करें ताकि जो जो वोट्स नंबर ऑफ वोट्स आपके मिसिंग अभी ऊपर नजर आ रहे हैं जो ही वो कंप्लीट हो गए ये जो वीडियो के नीचे लिंक है इस पर आप क्लिक करके अपने प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं जर अगर आप इस पे वापस नहीं आए तो आपकी ईमेल भी हम भेज देंगे कि आपके वर्ड्स पूरे हो गए हैं इतनी आसानी से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं अपना ख्याल रखें लुकिंग फॉर मीटिंग इन पर्सन द नेक्स्ट स्टेप इतनी देर में अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी फैमिली को और पूरे पाकिस्तान को हिफ्जमान में रखे अल्लाह